दी गई है, उनको जानकारी दी गई इस दुर्घटना के बारे में। और जैसा हमने आपको बताया, 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और जो भी औपचारिक रूप से जानकारी इस दुर्घटना के बारे में रखी जाएगी, वो संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि थोड़ी देर पहले संसद भवन पहुंचे हैं। CDS बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो कुन्नूर में क्रैश हुआ। और जैसे ही वो खबर आई, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिस तरह से एक तरह से उनके लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर फैली है। और उसके बाद अब CDS बिपिन रावत, जिन्हें ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया वेलिंगटन में, और वहाँ उनकी हालत गंभीर होने की खबर आ रही है। और अब थोड़ी देर बाद संसद में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रख सकते हैं, जिसके लिए थोड़ी देर पहले संसद भवन पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और क्रैश साइट की ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। MI-17 जो कुन्नूर में क्रैश हुआ है, हादसे में जो दुखद खबर है वो ये कि हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में 11 लोगों के मौत की खबर आ रही है, ये बेहद दुखद खबर। MI-17 क्रैश की खबर जैसे ही आई, उसके बाद वहां पर जो आर्मी का एविएशन विंग है वो पहुंचा, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। एयरफोर्स वहां पर पहुंची है, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। और जो खबर आ रही है, जो दुखद खबर है इस वक्त हिमानी, वो ये कि 11 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद खबर है। इसमें आपको बता दें कि 14 लोग इसमें सवार थे और 11 लोग, ये बहुत ही दुखद और कितना भयावह ये हादसा है। 14 लोग इसमें सवार थे और 11 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से क्रैश होने के बाद तुरंत बाद वो जल उठा, पूरा जो चौपर था वो जल गया, उसमें आग लग गई। कितनी भयावह वो तस्वीरें थी, कितना भयावह ये हादसा रहा होगा, उसका अंदाजा आप उन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर की लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, वो कुन्नूर के जिला कलेक्टर और राज्य के DGP से उन्होंने बात की है। शाम 5 बजे वो वहां पर जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ है। M.K. स्टालिन ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद लैंड करने वाला था ये जो चॉपर है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि 2:45 का दरअसल उनका लेक्चर था, CDS बिपिन रावत का, आर्म फोर्सेस कॉलेज जो वहां पर है, जो संस्थान वहां पर है, वहां दरअसल 2:45 पर उनका ये लेक्चर था। और इसी सिलसिले में दरअसल ये विजिट हो रही थी। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। डिफेंस कॉलेज, हम लगातार आपको बता रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का यह कॉलेज, यह संस्थान जहां पर जाना था बिपिन रावत के साथ, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। ना केवल वो बल्कि ब्रिगेडियर रैंक के कई सीनियर ऑफिसर जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से दरअसल यह रवाना हुआ था और फिर उसके बाद सुलूर एयरबेस यह पहुंचा था। सुलूर एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी और कुन्नूर में यह हादसा हो जाता है। कुछ ही देर बाद लैंड करने वाला था ये दुर्घटना साइट पर। सेना के जो बड़े अधिकारी, वो तुरंत उसके बाद जैसे ही उनको जानकारी मिली वो वहां पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसमें से CDS बिपिन रावत भी हैं जिनकी काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। और लगातार इधर दिल्ली से अगर बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल की अगर बात करें तो वो भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी वो लगातार ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे कि संसद में पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री, वो बयान जारी करेंगे। मेजर गौरव भी लगातार हमारे साथ यहां बने हुए हैं। मेजर गौरव, जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता भी यहां पर कह रही थी, आप देखिए 14